इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, सोनीपत से बड़ी जानकारी, किसान आंदोलन छोड़ने पर निहंग आज लेंगे फैसला, निहंग जत्थेदार देंगे संगत के जनमत पर फैसला, लेटर पैड ऑनलाइन आए संदेश पढ़कर फैसला देंगे। और आपको बता दें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फैसला किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम जानकारी, जहाँ पर विदेशों में रहने वाले लोगों ने ऑनलाइन जनमत किया और 80% लोगों का निहंगों के समर्थन में जनमत आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विदेशों में रहने वाले लोगों ने ऑनलाइन जनमत दिया है और 80% लोगों का निहंगों के समर्थन में जनमत सामने आया है। बड़ी जानकारी सोनीपत से, किसान आंदोलन छोड़ने पर निहंग आज फैसला लेंगे और निहंग जत्थेदार देंगे संगत के जनमत पर फैसला, लेटर पैड ऑनलाइन आए संदेश पढ़कर ये फैसला दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जनमत किया गया था और इस पर आज फैसला आ जाएगा। विदेशों में रहने वाले लोगों ने ऑनलाइन जनमत दिया था जिस पर आज फैसला आएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम जानकारी सोनीपत से, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी जानकारी है, आंदोलन छोड़ने पर निहंग आज फैसला लेके और जत्थेदार देंगे संगत के जनमत पर फैसला। तो लेटर पैड ऑनलाइन आए संदेश पढ़कर फैसला दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन से जनमत किया गया था और विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी ऑनलाइन जनमत किया था जिसका फैसला आज आ जाएगा। बता दें कि 80% जो है लोग उनका निहंगों के समर्थन में फैसला आया है। यहाँ पर सोनीपत आंदोलन छोड़ने को लेकर ये बड़ा फैसला, निहंग जत्थेदार देंगे संगत के जनमत पर फैसला, लेटर पैड ऑनलाइन आए संदेश पढ़कर ये फैसला लिया जाएगा। तो बता दें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जनमत किया गया था, विदेशों में रहने वाले लोगों ने ऑनलाइन जनमत किया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आंदोलन छोड़ने पर निहंग आज फैसला लेंगे और निहंग जत्थेदार देंगे संगत के जनमत पर फैसला। लेटर पैड ऑनलाइन आए संदेश पढ़कर ये फैसला दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जो है निहंगों के रुकने और ना जाने को लेकर जो है एक जो कल बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो है जनमत संग्रह इकट्ठा किया गया था और उसके बाद जो है आज लगभग 80% लोगों का जो जनमत सामने आया है वो ये आया है कि निहंग जो है कुंडली बॉर्डर को छोड़कर ना जाए। और इसको लेकर जो है आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निहंग देंगे, निहंग जत्थेबंदी जो है वो मौके पर पहुंचकर जो है लोगों से बातचीत के आधार पर ही ये अपना फैसला सुनाने वाले हैं। और करीबन 4 बजे का ये समय रखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से कुंडली बॉर्डर पर निहंगों द्वारा एक युवक की जो है हत्या का मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद जो है कुछ जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि आज जो है 4 बजे यही अनाउंसमेंट है कि निहंग जो है कुंडली बॉर्डर पर डटे रहेंगे या चले जाएंगे। हालांकि कल की अगर बात करें तो 80% से ज्यादा लोगों ने अपना जनमत जो है ये दिया है कि निहंग बॉर्डर पर ही रहें, बॉर्डर छोड़कर ना जाए, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक जो है उनकी सहभागिता जो है लगातार रही है और लगातार वो आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। जी बिल्कुल राम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।